क्या है? बहुत कुछ। जो कहना है जल्दी कहो, आखिरी बार कॉल रिसीव करी हो तुम्हारी। जिंदगी भर की बातें 2 घड़ी में तो नहीं हो सकती ना, मिलना है तुमसे। कितने ढीठ इंसान हो तुम। गलती मेरी है जो तुमसे बात करने के लिए यहाँ चली आई। तुम जैसे इंसान से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। खुदा हाफिज़ साला, ये गेट बंद कर ले। ये कौन है? ये उनका होने वाला दामाद है। दामाद होने वाला? अम्मी हुआ क्या है आखिर? किसका फोन था? ज़किया का फोन था। सकी आंटी का? क्या अनस तो ठीक है ना? विशाल और अनस की मंगनी तोड़ दी है उसने। बहुत इंतजार करवाया। तो तुम जानते थे कि मैं आऊंगी? हाँ, मैं जानता था कि तुम्हें भी वही चीज खींच के लाएगी यहाँ जिसने मुझे बांध रखा। मैं बनने वाली चीज नहीं हूँ मिस्टर मोहित, बहुत हल्का ले रहे हो तुम। तो फिर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अनमोल चीजों को पाने की औकात सबकी नहीं होती। मैं अपनी औकात भी जानता हूँ और उसकी हद भी, लेकिन तुम मेरे जुनून से वाकिफ नहीं। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी तुम्हारे बारे में जानने के लिए। सारा शहर वाकिफ है, जिससे भी पूछो बता देता है तुम्हारा तारुफ कि तुम जदीद दौर के जदीद बदमाश हो। गैर कानूनी काम बहुत सफाई के साथ कानून के दायरे में रहकर करते हो। हंसले और ताकत के जोर पर दूसरों की प्रॉपर्टी हथियाते हो और अब यही सलाहियतें लोगों पर भी आजमा रहे। किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करना और बात है, और किसी के दिल में जबरदस्ती जगह बनाना और बात। तुम मुझसे पूछ लेती, मैं ज्यादा बेहतर तारुफ कराता अपना। ऐसी तुमने जहमत की दूसरों से पूछ लिया। और हाँ, मैं गैर कानूनी काम नहीं करता। अगर करता होता तो तुम्हारे घर का कब्जा तुम्हें दोबारा नहीं दिलवा। मेरी चीज मुझे दिलाने में तुम्हारा कोई कारनामा नहीं है, इसलिए ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं। मैंने आज तक किसी की कोई चीज नहीं रखी, तो एहसान क्या रखूंगी? अरे वाह, दिल तो बड़े मजे से रख लिया मेरा। और रहा एहसान जताने का सवाल, तो एहसान भी कोई जताने की चीज? जताना है तो बंदा प्यार जताए, मोहब्बत जताए। मुझे मोहब्बत समझ नहीं आती, मुझे सिर्फ इज्जत समझ आती है। मोहब्बत ना मिले तो सिर्फ दिल टूटता है, और अगर इज्जत चली जाए तो आसमान टूटता है। और तुम्हारी उस हरकत की वजह से आज मेरे घर पर आसमान टूटा है। वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं था उस दिन। तुम हो काबिल? तुमने बड़ी मर्दानगी का सबूत दिया ऐसा ओछा वार करके। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। तुम जैसे ही लोग होते हैं जो मोहब्बत और जंग में कोई फर्क नहीं समझते। जंग लड़ी जाती है डैम इट, और मोहब्बत की जाती है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो मेरा नहीं मेरी छोटी बहन का मंगेतर था, जिसकी मंगनी तुम्हारी मेहरबानी से टूट गई है। और तो और उसके कैरेक्टर पर कीचड़ भी उछाली गई है। झूठ बोलते थे तुम कि तुम गलत काम सही तरीके से और सही काम गलत तरीके से करते हो। तुम गलत काम बहुत ही गलत तरीके से करते हो। छोटी वाली की? बड़े अजीब लोग हैं भाई। मतलब बड़ी वाली घर बैठी हुई है और छोटी वाली की मंगनी तय कर दी।
मोहित भाई देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उस फैमिली का सिस्टम ही खराब है। मतलब बड़ी बेटी घर पे है तो क्या? आधी बात करके सारा काम खराब कर दिया तुमने। गुस्ताखी माफ मोहित भाई, लेकिन अभी आपका काम सेट ही कहाँ हुआ? नहीं वो मेरा मतलब है कि अभी आपका वो पता कर कहाँ रहता है वो लड़का, बात करा मेरी उससे, जो कुछ बिगड़ा है उसे ठीक करना होगा। मोहित भाई अब जो उसके थोपड़े का हाल हुआ है, उसे ठीक होते होते 3-4 दिन तो लगेंगे ना, और जो उसके दिल और गुर्दे की लीकेज हुई है आपकी दहशत से, उससे रिकवर होते कितना वक्त लगता है ये नहीं पता मुझे। तू करेगा अब ये सब ठीक के नहीं? हाँ मतलब हाँ करना पड़ेगा, करेंगे। ज़किया से मुझे इस हल्केपन की तवक्को नहीं थी। एक तो बेबुनियाद बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया, ऊपर से आनन फानन सब जानने वालों में फैला भी दी। सुबह से 4 फोन सुन चुकी हूँ मैं लोगों के, अब किस किस को वजाहत दूँ? जरूरत क्या है वजाहत देने की, हम किसी को जवाब दे नहीं है, और ना ही ये जानने वाले हमारे खुदाई फौजदार या ठेकेदार। बड़ी की देखा देखी, तू भी तुरम खान ना दिखा मुझे, इसका किया सामने आ रहा है ना, काफी नहीं है? मेरा क्या, मैंने क्या कर दिया अम्मी? 1000 बार मना किया है हर किसी के मुंह ना लगा कर, अब एक सर फेरे को जिद लगा दी तूने, अल्लाह ही भला करे। बस यही सबसे आसान काम है, कुछ गलत हो तो मेरे सर पर थोप दे और उसके बाद अल्लाह से भला करने की आस लगा कर बैठ जाए। अल्लाह भी अपनी मदद आप करने का कहता है अम्मी। मैं जाऊंगी ज़किया आंटी से और उससे बात करूंगी। तू वहां जाएगी? माफ कर दे मुझे, चल पड़ती है जगह पर। जाहिर है अम्मी, फोन तो उठा नहीं रहा वो उल्लू का पट्टा, जाके उसे असल बात बताऊंगी तभी तो उसकी गलतफहमी दूर होगी। क्या जरूरत है, क्या होगा इससे? वो शर्मिंदा होगा, माफी मांगेगा, रिश्ता वापस जोड़ेगा। नहीं आ, मैं ऐसे शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहूँ जो बिना हकीकत जाने थोड़ा सा दबाव में आके इतना बड़ा फैसला करे। निशाल एक तो तुम ना, मेरी बात तो नहीं समझ रही। मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि फिर से धमकाने आए होगे। कुछ ख्याल करो, 3 अकेली औरतों के घर में दंदनाते हुए घुसे चले आते, हमारे घर आए मेहमानों की बेइज्जती करते, होने वाले दामाद को मारपीट करते, क्यों हमारे दुश्मन बने? लेकिन जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ। असल में ये दस्तगीर। जी मोहित भाई। जो कुछ भी हुआ इसकी हिमाकत की वजह से हुआ। गलती हमारी है, मुझे इसका बहुत अफसोस है। तुम्हारे अफसोस करने या माजरत मांगने से मेरी बहन पर लगे इल्जाम धुल जाएंगे? और तुमने किराए के गुंडों की तरह क्या किराए के जानेसार भी रखे हैं जो तुम्हारे किए किराए को अपने सर पर ले लेते हैं? नहीं नहीं भाभी, वो सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने ना बात पूरी तरह से सुनी ना समझी, और मैंने जाके मोहित भाई को बता दिया, और मोहित भाई को ये लगा कि वो आपके मंगेतर है ना। ओह तो मतलब नीयत तो यही थी ना, तो फिर माजरत किस बात की करने के लिए आए हो? मंगेतर मेरा होता या मिशाल का, हरकत तो गलत ही की ना तुमने। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, सुधार भी दूंगा। तुम एड्रेस दो उस लड़के का, मैं उससे खुद जाके माफी मांगूंगा, मैं उससे कहूंगा कि गलत फहमी थी। उससे क्या होगा, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाएगा? पता नहीं क्या कह दिया उसको, वो तो बुरी तरह बिदक गया है, फोन तक नहीं उठा रहा हमारा। कैसे नहीं जुड़ेगा रिश्ता, सर के बल आएगा वो। वो क्या, उसका बाप भी आएगा उसका? उसका बाप मर चुका है और आज के बाद वो भी मेरे लिए मर चुका। विशाल। हाँ सही कह रही, मुझे ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी जो सालों की दोस्ती और रिश्ते को भूल के किसी की भी बातों में आ जाए। वो क्या तहफ्फुज देगा मुझे जो किसी की भी धमकियों से डर के भाग गया। ठीक कह रही है। ये तुम्हारी बहन होती तो पूछती कि ठीक कह रही है कि गलत, सालों पुरानी मंगनी थी, पूरा खानदान जानता था इसके बारे में। तुम्हें क्या लगता है जिस किस्म के इल्जामात के बाद ये मंगनी टूटी है उसके बाद कौन करेगा मेरी बहन से शादी? दस्तगीर करेगा।
मुझ भी क्या? हैं? दस्तगीर? हाँ दस्तगीर, तुम की तरह मोहित भाई के पीछे लगा रहता है, ना काम का ना काज का। अच्छा है, खाया पिया हलाल तो करे। अजीब ख्याल सोचते हैं तुझे, मतलब मैं अपने सबसे काम की मुलाजमत छम्मो करने का उस लौंडे से करवा दूं। छम्मो उन्नीसवा पार कर रही है अम्मा, इस जात और तबके में लड़की 15वें साल तक ही घर की चार दीवारी में टिकी रहे तो बड़ी बात है, तो आपकी कड़ी नजर है जो अभी तक टिकी हुई है। मगर कब तक? इस साल दो बार तो रंगे हाथों पकड़ी गई है, एक बार केबल वाले के साथ और दूसरी बार बराबर वालों के ड्राइवर के यहाँ। जरा सोचिए अम्मा, किसी के साथ भाग गई तो आप दोबारा इतनी फुर्तीली मुलाजमा कहाँ से ढूंढेंगी? अरे वो दीदा हवाई रंगरलियां मनाते पकड़ी जरूर गई है, जवानी फटी पड़ रही है उसकी, पर इसका ये मतलब नहीं है मैं उस निगौड़ी को इतनी बड़ी सजा दे दूं, दस्तगीर से निकाह ही कर दूं उसका। हौला खपता। अच्छा है ना यही टिका रहेगा बीवी के पल्लू से बंदा, मोहित भाई के आगे पीछे फिरने के बजाय यहाँ रह के घर के काम करे, हमें भी तो मुस्तकिल ड्राइवर की जरूरत है। कह तो तू ठीक रही है, शुक्र है तेरी तरफ से भी कोई ठंडी हवा आई, मतलब अकल की बात। करती हूँ मोहित से बात, इधर दे सारा खा जाएगी। मैं उसे ऐसे वापस नहीं जाने देती, मुंह तोड़कर रख देती उसका। आप बीच में क्यों आई? होश में यार, होश अभी भी ना आती बीच में, और कितना तमाशा लगवाना था? तमाशा तो उसने लगाया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बहन के लिए अपने दो टके के उस गुंडे चमचे के लिए बात करने की? तू अच्छी तरह जानती है कि वो क्यों कर रहा है, ताकि तू हथियार डाल दे। वो गालते में है, वो मेरा हथियार मेरी अना है, और अना किसी के सामने पेश करने के लिए नहीं होती। तो होने दे सब, तू मान क्यों नहीं लेती कि हम अकेली औरतें उससे नहीं लड़ सकती? मेरे सर पे शौहर नहीं, तेरे सर पे बाप नहीं, मेरा बाजू मेरा बेटा नहीं, तेरा भाई तेरा रखवाला नहीं, तो किस बिरते पे लड़े उससे? अपनी इज्जत का तमाशा ही बनवाएंगे ना, और क्या? अम्मी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बुजदिली है और कुछ नहीं, अगर आपने मुझे रोका ना होता ना तो मैं उसका वो चुप कर जान मोल। ज्यादा हांकने की जरूरत नहीं है, मान ले कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इलावा शोर मचाने के उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा वो बात भी जो किसी को नहीं पता। मुझे तो वहां की तारीकी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अरे वो तेरा रिश्ता तो होने नहीं देगा, लेकिन तुझे जिज करने के लिए मिशाल के हर रिश्ते में भी टांग अड़ाएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मी, खामोश रहने का कोई फायदा नहीं है। तो शोर मचाने का भी क्या फायदा है, उल्टा नुकसान ही है। उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इतनी बदनामी हो जाएगी कि इस घर में लड़कियों के रिश्ते आने से लोग डरेंगे। आप एक के बाद एक सिर्फ संगीन नतायज बताए जा रही हैं, हल ना खुद निकालती है ना निकालने देती है। एक हल है मेरे पास, मगर बताए बताए ना, अगर बुजदिलों की तरह डर कर फरार होने के अलावा कोई और हल है आपके पास तो बताए। देखना जिद तो तुझसे है ना, उसे विशाल से तो कोई लेना देना नहीं, और हमसे कोई जाती दुश्मनी भी नहीं उसकी, और जिद भी क्या, वो शादी ही करना चाहता है ना तुझसे, और ये सब कुछ वो तेरे इनकार की वजह से कर रहा है। अगर तू उससे अम्मी, मोहित भाई आप पहले अपनी सेटिंग तो बना लेते, आपने मेरी बात कर दी, अच्छा तो नहीं लगेगा ना, मैं कितनी इज्जत करता हूँ भाभी की, अब सारी बन जाएंगी वो मेरी, मेरा मतलब है कि चुप कर जा दस्तगीर, वरना चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा मैं तुझे। नहीं मेरा मतलब यह है कि मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, कि मैं हार मान लूं उसके सामने घुटने टेक दूं। मेरी नियत सिर्फ, आपकी नियत सिर्फ ये है कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर उसके सामने पेश कर दिया जाए ताकि किस्सा ही खत्म हो। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं जितना मिशाल से प्यार करती हूँ उतना ही तुझसे करती हूँ, सिर्फ ठंडे दिल से एक बार सोचने का कहना, उसने क्या गलतियां की, किस गलत अंदाज में अपने दिल की बात तुझ तक पहुंचाई, ये भूलकर सिर्फ अपने लिए आने वाला एक रिश्ता समझ कर देख। अच्छा
फिर बाहर तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं, पढ़ा लिखा भी है, दिखने में भी भला लगता है, और वो जो दो खवातीन रिश्ता लेकर घर आई थी, जो बाद में पता चला कि उसके घर से आई थी, वो भी खासी माकूल और खानदानी लग रही थी। अच्छा, एक छटा हुआ बदमाश जो गुंडे भेजकर हमारा सामान गली में फेंकते हुए हमें दरबदर करने पर तुला था, जो बात बात पर असला निकाल लेता है, जो न जाने कितनी ही गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है, जो हमें धमकाता है, हमारे घर में घुसकर हमें हिरासा करता है, अनस तक को मारपीट कर भगाया उसने, वो यकायक आपको माकूल और खानदानी लगने लगा? उस पर दबाव नहीं डाल रही, बस ऐसे ही बात की थी मैंने। नहीं, आपकी बात सही है, मेरी शादी ही इस मसले का हल है, मैं मानती हूं। और ये हल मुझे कबूल है। शादी करना चाहते हो मुझसे? तकरीर नहीं, हाँ या ना? मैं अपना जवाब कर दूँ, मिलना है, कुछ बातें तय करनी है, उसके बाद फैसला होगा। तुम बताओ, करोगे मुझसे शादी मेरी शर्तों पर? तो फिर कल। शादी करना चाहते हो मुझसे? तकरीर नहीं, हाँ या ना? मैं अपना जवाब कर दूँ, मिलना है। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन वहां नहीं। जब जिंदगी में बाहर आने वाली हो तो उसका इस्तकबाल खंडरों में नहीं करते। मैं चाहता हूं ये रंग तुम मेरे घर के दरो दीवार में भर दो। कल सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर का चप्पा चप्पा, ईंट ईंट तुम्हारी मुंतजर हो गया। आप सो क्यों नहीं रही? जब देखने को कोई ख्वाब ही नहीं तो सोने का क्या फायदा? है वो खुदारी रिश्ते की बात करने? ऐसा तो ना कभी सुना ना देखा। आप लोग उससे मिलने के बाद भी यही कहेंगे, ऐसी लड़की ना कभी देखी ना कभी सुनी। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है, बजाय इसके कि हम जाएं कायदे से उसके बड़ों से बात करें, वो खुद आ रही हैं। उसे मैंने बुलाया था अम्मा, सवाल भी मैंने रखा था उसके सामने, उसने तो बस जवाब देना है। मैं चाहता हूँ उस लम्हे उस वक्त को मुकम्मल कर दूं, पर आपके बगैर मेरा कोई भी लम्हा कैसे मुकम्मल हो सकता है? चल ठीक है, सौ बिस्मिल्ला, आने दे उसे, फिर मैं जाऊंगी धूमधाम से उसकी बारात लेकर। इस वक्त भी कोई कमी रहनी नहीं चाहिए अम्मा, मैं चाहता हूं उसे हर बात से यह एहसास हो
कि मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया उसकी मुंतजर है। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ठीक, बुला बुला निकी को, बुला और उसको शिगो को। मैं देख कैसे काया पलटती हूँ दो घड़ी में हवेली की। जाहिर है अब अकलौते चश्मे चढ़ा के मुंह से बात निकली तो आप तो पूरी करेंगी। होने वाली बहू के इस्तकबाल में शायाने शान तैयारियां होंगी। फूल तो क्या आंखें बिछाई जाएंगी रास्ते में। तो तेरे लहजे में क्यों जहर फुंका रहा है? अम्मा अब आपको कोई बेइज्जती महसूस नहीं हो रही? बजाय इसकी कि खुद बेटे के लिए बहू ढूंढे, वो आएगी यहाँ हमें जांचे परखेगी। वाह बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। ला 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 ला। क्या कर रहे हैं दस्तगीर? मोहित भाई भाभी के आने के इस्तकबाल में। ये तो अभी दिन है, कहीं रात होती तो कुमकुमे लगाता, जगमग 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 करता सब कुछ। वहां भाभी का कदम जमीन पे पड़ता और यहाँ पटाखे बजते, फुलझड़ियां जलती। अबे इतना फिल्मी सेट लगाने की क्या जरूरत है? मोहित भाई मैंने सोचा भाभी आएंगी तो जरा दिल खुश हो जाएगा ना उनका। अगर तू वाकई ऐसा करना चाहता है ना तो 2 मिनट में यहाँ से गायब हो जा, क्योंकि तुझे देख कर उसका वाकई मूड खराब हो जाएगा। तेरे दरवाजे पे चिलमन नहीं देखी जाती, जाने जा हमसे ये उलझन जिंदगी में बाहर लाना चाहते हो तो पहले उसकी कदर करना तो सीखो। ये पैरों में रौंदने के लिए नहीं होता। बातें बहुत जानलेवा करती है, अगर मुझ पे मौलिक हथियार भी बेअसर होते हैं। समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। हाँ ना अनमोल, सब लोग तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अम्मा और सबिया दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या बताया तुमने उन्हें मेरे बारे में कि मैं किस लिए आ रही हूँ? यही जो तुम कहने आई हो। अगर तुम चाहते हो तो ये बात मैं उनके सामने कर सकती हूँ, लेकिन बाद में गिला ना करना कि मैंने उनकी दिल आजारी। दिल आजारी? तुमने तो अपनी करते हुए ये ना सोचा कि उससे मेरी माँ पर या मेरी बहन पर क्या गुजरेगी, मगर मुझे एहसास है कि बेहतर होगा कि ये बात हम कहीं और चल के करें। सुन, वो अनमोल से बात हुई तेरी? नहीं, आज तो मैं कॉलेज भी अकेले गई थी, वो तो सो रही थी। लाइब्रेरी नहीं गई वो? हाँ मैंने भी देखा था, तो सो रही थी। फिर घंटे बाद देखा तो घर पे नहीं थी, फोन भी नहीं उठा रही। लाइब्रेरी नहीं गई, मैंने पता किया वहां से। दोस्त भी नहीं है कोई उनकी? नाराज होकर चली गई।
से? वो रात परेशानी में मैंने उसको बहुत कुछ सुना दिया था। हद है अम्मी, सब में उनका क्या कसूर है? अब एक आदमी खुद दीवाना फिर रहा है तो वो क्या करे? अच्छा आप फिक्र मत करें, कहाँ जाएंगी, आती होंगी। उसके तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे, कुछ है उसके दिल में। तुम मुझे यहाँ लाना चाहते थे ना, आ गई इसलिए नहीं कि मेरा दिल मुझे यहाँ खींच लाया है, इसलिए कि मुझ पर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तुम जवाब सुनना चाहते थे ना मेरा, वो भी हाँ में। तो हाँ, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी के, इसलिए नहीं कि तुम्हारी लगन और चाहत के आगे हार गई, इसलिए कि मरते आदमी को मुर्दार भी हलाल होता है। तुम्हारे दिल और नजर पे गलत फहमी का पर्दा है, मुझे बहुत बुरा इंसान समझती है। शायद इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं। मुझे तुम्हारी अच्छाइयों से और बुराइयों से कोई मतलब नहीं है, बहुत चाहते हो ना तुम मुझे। अच्छा ज्यादा तो अगर मुझसे ज्यादा अच्छाइयों और खूबियों वाली लड़की तुम्हारे सामने आ जाएगी तो क्या उसे चाहने लगोगे? नहीं ना, तो तुम भी सोने के भी बनकर आ जाओ, मैं दिल में तुम्हें जगह नहीं दे सकती, क्योंकि वो पहले से किसी और की है। हाँ, मजबूरन तुमसे शादी जरूर कर सकती हूँ। तुम्हारे दिल में कोई और नहीं है, अगर मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। आवाज ऊंची कर लेने से तुम मेरा दिल खाली नहीं करा सकते। ये वो वाहिद मिल्कियत है जिस पर से कब्जा ना तो तुम ताकत के बल पर छुड़वा सकते हो और ना ही जबरदस्ती। झूठ बोल रही हो, कोई नहीं तुम्हारी जिंदगी में। तुम पर साबित करके मुझे क्या मिलेगा? कौन सा तुम मर्द बनकर हमारे दरमियान से निकल जाओगे? कौन सा तुम्हें गैरत आ जाएगी कि किसी और की मोहब्बत को अपना रहे हो? मैं उससे शादी करने वाली थी, अगर तुम मेरी जिंदगी में उथल पुथल ना करती। मैं जानती हूं तुम मेरी उससे शादी कभी नहीं होने दोगे। इसलिए फिलहाल मैं अपनी हार तस्लीम करती हूँ। चलो ये राउंड तुम जीत लो मुझसे शादी करके। फिलहाल राउंड हाँ, मोहब्बत कभी मरती नहीं है। हाँ, दब जरूर जाती है कभी ना कभी, मैं सच कह रही हूँ मोहन, साफ साफ बता रही हूँ। दिल में मेरे हमेशा वही रहेगा, बर्दाश्त करना होगा तुम्हें, चौकन्ना रहना होगा, मुकम्मल चौकीदारी करनी होगी तुम्हें मेरी, क्योंकि जिंदगी में जब भी वो मेरे मुकाबले आया, जब भी मुझे अपनी मोहब्बत को पाने का मौका मिला, मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी। धमकी दे रही हो मुझे? तुम समझती हो मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर लूंगा? हाँ, तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम ही अपने दिल की सुनते हो? मैं भी सर फिरी हूं, अगर दाव लगा तो तुम्हें तो क्या, तीन चार बच्चे भी हो चुके हैं, उनको भी छोड़कर भाग जाऊंगा। अरे यहां खड़ी क्या पत्ते झाड़ रही है, जाके असली घी लेकर आ। आने वाली के कदम दहलीज पे पड़ने से पहले वहां गिराऊंगी। आने वाली के कदम वापस पलट गए अम्मा। क्या जी, और हमारा लाडला उन कदमों के निशान पर अपने कदम रखता पीछे पीछे। क्या बके जा रही है? पीछे लगा के ले गई है अम्मा, आप यहाँ बैठ के उसके इस्तकबाल की तैयारियां करती रहे। जैसे अभी आपके नाक के नीचे से आपके इकलौते बेटे को लेकर गई है ना, यहीं से अंदाजा लगा ले कि उसके इरादे क्या हैं। मोहित तो इतना उतावला हुआ फिर रहा था, फिर वो चली क्यों गई? और मोहित ने उसे जाने क्यों दिया? कहा तो है अम्मा, वो भी साथ चले गए हैं उसके,
अब इसमें तो आपको कोई बेइज्जती और तौहीन नहीं महसूस हो रही होगी। वो भी तो बाहर की है, कैसे घर के अंदर से निकाल के लेके गई है। लेकिन नहीं, सबके लिए अलग अलग असूल है इस घर में, और बेइज्जती के मयार भी। बहुत चाहती हूँ उसे। हाँ। शादी करना चाहती हूँ उसे। हाँ। तुम्हें लगता है ये जान के मैं तुम्हारी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाऊँगा? मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं, क्योंकि ये काम कोई गैरतमंद मर्द ही कर सकता है। ये मत समझना गैरत और मर्दानगी के नाम पे तुम्हें छोड़ा है। मैं जानती हूँ कि ऐसे ताने तुम जैसों पर बेअसर रहते हैं। मेरे दिल पे असर होता है तो सिर्फ दिल का, तुम्हारे दिल की खुशी कोई और है। मेरा दिल तुम्हारे दिल की बेहुरमती कैसे कर सकता है? तुम मुझसे? हाँ, मैं पीछे हटता हूँ। जिंदगी में पहली बार अपने कहे हुए अल्फाज वापस लेता हूँ। नहीं आऊंगा तुम्हारे वास्ते। मैं तुम्हारा एतबार नहीं कर सकती। तुम फिर कुछ ना कुछ करोगे, मैं ये नहीं चाहती। इसलिए हार मानकर तुमसे शादी करी थी, ताकि तुम मेरी माँ और बहन को सुकून से जिंदगी गुजारने दो और उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचा। नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं डालूंगा रुकावट। शादी कर लो उससे। मैंने कहा ना, कैसे एतबार करें? प्यार तो करती नहीं, ना करो, एतबार तो करो। ये लो भाई पैसे। तुम आ गए? हाँ, पहले तो मुझे लगा कि शायद तुम मजाक कर रही हो, या फिर तुम मुझे यहाँ बुलवा कर किसी से मार लगवाओगी। फिर सोचा कि जान हथेली पे रख के चला ही आता हूँ। ना तो ये मजाक है और ना ही धोखा। सीधी सी बात है, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें घर बुला लिया। अब जाके मेरी अम्मी से शादी की बात करो। हाँ? वाकई? हाँ, बस एक शर्त है। वो क्या? शादी एक दो दिन के अंदर करनी होगी, कल या परसों। मंजूर है? फरीद, ये मेरी अम्मी हैं। अम्मी, ये फरीद हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बात करना चाहता है? जी। अच्छा, कहो फरीद। वो मैं अनमोल से, मेरा नाम फरीद है। वो मैं बता चुकी हूँ, आगे। मैं एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन एक सिस्टर है, वो मैरिड है, एक छोटा भाई और मुझे। अब ये मत बताना शुरू कर देना कि तुम्हें सफेद रंग और गुलाब के फूल पसंद है, नाश्ते में ऑमलेट खाते हो, काम की बात करो। मुझसे बात तो करने दो बेटा, आराम से बैठ के बात करो। चलो शाबाश, तू जा चाय लेकर आ। हाँ बोलो। वो मैं मैं शादी से निकाह करना चाहता हूँ, वो भी एक दो दिन में। आप बेफिक्र हो जाए, मैं अनमोल को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या घर ऐसे नहीं, मेरा मतलब है रिश्ते ऐसे नहीं बनते। अभी तुम्हें आए यहाँ पे 12 मिनट हुए, ऐसे कैसे मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूँ? और वैसे भी तुम्हारे घर वालों को आना चाहिए था। मैं अभी उन्हें ले आता हूँ, मेरी बहन है, मैं उनको कॉल करता हूँ कि वो तैयार हो जाए। ठीक है, मैं उन्हें यहाँ ले आता हूँ। लेकिन तुम हथेली में सरसों की जमाना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपनी बहन को भले लाओ, 100 दफा लाओ, लेकिन मैं 2 दिन में अपनी बेटी नहीं ब्याह सकती, ऐसा नहीं होता। ये नमूना कहाँ से पकड़ के लाई आप? तमीज से बात करो, तुम्हारे होने वाले बहनोई हैं। है? होने वाले बहनोई? वो भी अनकरीब चंद घंटों में। आप पागल हो गई है क्या? पागल शादी करते हैं सर, होशमंद नहीं कर सकते। ऐसी शादियां तो पागल ही करते हैं। और इसमें देखा क्या है आपने? कुछ नहीं। फिर ये कि डूबते को तिनके का सहारा, बस यही देखा। देख लो, खुद ही मना कर रही है। कसम से मैं तो कह रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर शादी कर लो। कसम से, आंटी को एतराज है, उनसे पूछ लें। बेटी वाले ऐसे ही कहते हैं, भरा उमर रख रखा होता है। तुम इसे इतना सीरियसली मत लो, चाय पी लो पहले, फिर अपनी बहन को ले आओ। अच्छा है निकाह से पहले दोनों फैमिलीज आपस में मिल लें। अनमोल, बिस्किट्स लोगे? मैं आपकी चाय। आवाज ऊंची कर लेने से तुम मेरा दिल खाली नहीं करा सकते। ये वो वाहिद मिल्कियत है जिस पर से कब्जा ना तो तुम ताकत के बल पर छुड़वा सकते हो और ना ही जबरदस्ती। मोहित नहीं खोलेगा अम्मा, आपको पता तो है उसकी आदत का। पता भी नहीं रहा हुआ क्या है। क्या होना है, मुझे तो पूरा यकीन है कि लड़की ने लंबी चौड़ी शर्तें रखी होंगी कोई। दरवाजा तो खोले, मैं कहूँ इसे कि मान ले सारी शर्तें और ले आओ उसे। आखिर ऐसा क्या है जो इसके बस में नहीं है, जो ये पूरा नहीं कर सकता। मोहित दरवाजा खोल। मोहित दिल लगी भूल जानी पड़ेगी।